वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा फार्म हाउस कहाँ है, किस जगह है और कैसी स्थिति में है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये सब कुछ मिर्ची वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर टमाटर और सब कुछ है। पीछे भी देख सकते हो, सब जगह गेहूं की खेती वगैरह हो गई है। और ये हमारे अंकल जी हैं जो घास लेकर जा रहे हैं। ये जो खेत है, इसमें भैंसों के लिए चारा वगैरह उगाया हुआ है, देख लो। इधर मम्मी भी काट रहे हैं और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या लहसुन वगैरह सब कुछ लगा रखा है। ये जो है सीताफल का पेड़ है, या आम वगैरह सब कुछ है। ये जो है, ये लहसुन है और ये गाजर वगैरह, धनिया सब कुछ लगा रखा है यहाँ पर। इधर ये हल्दी और ये अदरक वगैरह भी है। और ये देख लीजिए, बैंगन भी एक साथ कितने सारे लग रखे हैं। मिर्ची देख लीजिए गाइस, एकदम कैसे भर भर के लगा रखी है यहाँ पर, और बहुत ही काम आती है वैसे तो। टेस्ट भी इसका अच्छा है, तीखा लगता है एकदम। ये इधर टमाटर है और ये बहुत सारे सागवान के पेड़ भी हैं। ये इधर गन्ना भी उगा रखा है, थोड़ा सा ओल्ड था वो तो काट दिया। ये एक तो पुराना भी है इधर, और ये बाकी इस साल का नया है जो थोड़े टाइम बाद खाने के काम आएगा। ये इस जगह थोड़ा सा और अलग से लहसुन उगा रखा है। और ये नए आम के पेड़ है, बेल भी बांधे हुए हैं। और देख लो आगे गेहूँ वगैरह सब बो दिए, पानी वानी भी पिला दिया है। इधर साइड ये पानी पिलाने के लिए है। और ये दादी अभी दूध निकाल के बाहर आए हैं, ये इसमें दूध निकाला है गाइस दादी ने। देख लो गाइस अंदर भैंसों के लिए कैसी व्यवस्था कर रखी है, एकदम चारों साइड से बंद है और पंखा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये दादी है चारा लेकर जा रही है भैंसों के लिए। ये गाइस देसी बोर का पेड़ है जो कि अभी तक कच्चे हैं, अभी तक पके नहीं, ये लगभग एक महीने बाद पकेंगे। और इधर पेड़ को भी बोतल चढ़ाया हुआ है, देख लो बहुत सारे। अभी तो पकने के बाद ये पूरा से झूल जाता है पेड़। ये इधर दादाजी भी सोए हुए हैं जो कि काफ़ी थके हुए और हरे भरे खेत वगैरह सब कुछ है। मैं आपको पीछे अपना घर भी दिखा देता हूँ। ओवरऑल हमारा पूरा फार्म हाउस है गाइस, यहाँ पर सब कुछ है, भैंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर बांधते हैं। और ये देख लो, दादाजी ने मुझे थोड़ा लेने के लिए भेजा है, वो मैं लेके आता हूँ और अभी फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। ये जो है, ये प्याज का रोप है, मैं ये लेने के लिए मेरे को भेजा था। अभी इसको रोपेंगे और प्याज लगती है इस पर। मैं क्या थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ से आपको पूरा एकदम अच्छे से नज़ारा देखने को मिलेगा। देख लो ये नीचे घर है और इधर पीछे पहाड़ियाँ वगैरह हैं। हमने यहाँ पर वैसे पेड़ पौधे बहुत लगाए, लगभग 50 से 60 सागवान के पेड़ लगाए जो कि अभी 3-4 साल हो गए, इतने इतने बड़े बड़े हो गए। और ये कुछ है जो पिछले साल के हैं, वो इतने छोटे छोटे हैं और ये भी बहुत बड़े हैं। सागवान के पेड़ जो मैं आपको ऊपर से बता रहा था, वो ये देख लो कि सच में हमने लगाए हैं गाइस, जो इतने बड़े बड़े हो गए। और ये फार्म हाउस है, उसमें भैंसे वगैरह बांधते हैं। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है वैसे तो। इधर आने का गेट है गाइस, ये गेट लगा हुआ है इतना सारा, इतना बड़ा, ताकि कुत्ता वगैरह अंदर नहीं जा पाए। इसी के साथ आज के एंड करते हैं। अगर वो व्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट कर देना एक प्यारा सा कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। बता देना कि आप किस चीज़ पे व्लॉग चाहते हैं तो, ताकि मैं अगली बार बना पाऊँ। इसी के साथ बाय।